उदय नारायण चौधरी आ गए। उदय नारायण चौधरी जी आ गए। इस विलय का मतलब क्या है शरद जी? ये विलय जो है वो व्यापक एकता के लिए पहला कदम है। देश भर में जो परिस्थिति है उसमें सारे अपोजिशन को एक होना चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह कि हमने खुद ही अपनी पहल कर दी। माइक दूर रखिए प्लीज। आपको ऐसा लगता है कि ये विलय करके आप बीजेपी को हरा पाएंगे आगामी चुनाव में? नहीं, ये पूरे देश भर के अपोजिशन को एक होने के बाद ही हरा सकते हैं। अकेले कोई एक पार्टी नहीं हरा सकती। एक व्यापक एकता हमका कदम उठाना था तो हमने कदम उठा दिया। कितना भरोसा है आपको तेजस्वी यादव पे? कितना भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है। और आने वाला भविष्य जो है वो बिहार का तेजस्वी यादव है। आपका रोल क्या रहेगा आगे राजनीति में? राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। जो व्यापक एकता है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लालू जी भी बाहर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम मिलकर के सब लोग एक व्यापक एकता के लिए मुहिम चलाएंगे। ऑपोजिशन बता रहे हैं सबको इकट्ठा होना चाहिए चुनाव बीजेपी को हराने के लिए। ऑपोजिशन का चेहरा कौन होगा? हमेशा ये लड़ाई होती है, कभी शरद पवार आ जाते हैं सामने, कभी सोनिया गांधी का नाम चलता है। कोई नेता दिखता नहीं है जिनके नाम पे ऑपोजिशन एकजुट हो और देश भर में बीजेपी के खिलाफ। ऐसा है, पहला काम है एकता हो जाना। इसके बाद कौन बनेगा ये तय करना में पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अभी भी करेंगे। पहले भी एकता पहले की है, इसके बाद जैसे जनता दल बना था तो एकता पहले हुई थी, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री बना था। और जनता पार्टी का भी पहले सबका विलय हो गया, उसके बाद मुरारजी भाई का प्रधानमंत्री बने थे। यही परिस्थिति यहाँ भी होगी। तो ये विलय जो आप कह रहे हैं एकता होगी विपक्ष में, यूपीए के अंडर होगी? यूपीए में रहते हुए एकता होगी? यूपीए के झंडे के नीचे ही एकता होगी सबकी? ये एकता पूरे देश भर में होगी। सर, केरला स्टेट लीडरशिप इज ऑपोजिंग द मर्जर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।